हम इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और परसों होली का त्यौहार है, लेकिन जिस तरीके से हर वर्ष भीड़ देखी जाती थी आनंद विहार रेलवे स्टेशन में, इस वर्ष उस तरीके की भीड़ देखने को नहीं मिली। आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो यात्रियों की संख्या है वो काफ़ी सीमित है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, चूँकि पहले जिस तरीके से ट्रेनें चलती थी उस तरीके से अब ट्रेन नहीं चलती है, स्पेशल ट्रेन मात्र चल रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से अब जिसका टिकट कन्फर्म नहीं है वो रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं और लोगों को जनरल टिकट मिलना बंद हो गया है। यही कारण है कि जिसकी सीट कंफर्म है वही रेलवे स्टेशन आ रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं आ रहा, और ट्रेनों की संख्या सीमित कर दी गई है। यही वजह है कि उस तरीके की भीड़ यहाँ पे नहीं देखी जा रही है। हालांकि अगर यहाँ पे बात करें तो कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को लगने के लिए कहा जा रहा है और मास्क पहनकर ही स्टेशन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे में स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जो तमाम सारे कोविड के प्रोटोकॉल है उनका पालन करने के लिए कहा भी जा रहा है, लेकिन जो भीड़ स्टेशन पर अमूमन होली के त्यौहार पे या दिवाली के त्यौहार पे देखी जाती थी वो इस बार देखने को नहीं मिले, क्योंकि कोविड का संक्रमण काल चल रहा है और ट्रेन भी सीमित संख्या में चल रही है। यही कारण है कि स्टेशनों पर भीड़ कम उमड़ रही है, लोग अपने व्यक्तिगत साधन या फिर बसों से जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अपने घरों की ओर। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, आनंद विहार स्टेशन, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।